मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वितीय भव्य उत्सव दीपोत्सव 2022 कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने दीपदान कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि बाजपुर के द्रोण सागर में आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की थीम इस बार एक दिया मेरा भी प्रभु को समर्पित रखी गई। ये कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र शक्ति द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में द्रोणा सागर के प्रांगण में 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। आपको बता दें कि काशीपुर में बाजपुर रोड पर स्थित द्रोणा सागर परिसर में द्वितीय भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने दीप प्रज्वलन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीपैड पर ही पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कुंडेश्वरी रोड स्थित मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्रोणा सागर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मंच पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलित किए। दीपोत्सव का जो त्योहार है, ये हमको बहुत बड़ी सीख देता है। इससे ठीक 20 दिन पहले हम विजयदशमी का पर्व मनाते हैं, और विजयदशमी का पर्व वो एक ऐसा पर्व है जो असत्य पर सत्य की विजय के रूप में, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है, और उसके ठीक 20 दिनों बाद दीपोत्सव मनाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमको हर प्रकार से प्रेरणा देने का काम करता है। ऐसा ही प्रयास हमारे काशीपुर के आप सभी लोगों ने, प्रबुद्ध जनों ने आचार्य द्रोण की इस स्थली पर यह भव्य और दिव्य दीपोत्सव आयोजित करके किया है।